Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. This is your friend Ankit from ADP Vlogs. ये देखिए आप, टायर का हाल बहुत बुरा हो चुका है, तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि इसको चेंज करवा ही देते हैं। तो बहुत दिनों से मैं ये मेरी बाइक हिमालय का टायर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो फाइनली आज मुझे अहमदाबाद से टायर मिल चुका है। ये टायर का साइज़ बहुत ऑड है, टायर का साइज़ ही नहीं लेकिन ये बाइक ही ऑड है, तो टायर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह के बाइक का। तो मैं इंटेंसली यहाँ आया हूँ जहाँ मैन्युअली टायर बदलते हैं, क्योंकि जब हम राइड पे जाते हैं तो अगर टायर चेंज करना हमने सीखा रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर इमरजेंसी में कुछ ना मिले तो हम खुद से भी टायर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी आज टायर चेंज करना सीखता हूँ और आपको भी सिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ लगती है टायर खोलने के लिए, सो दैट आप भी खुद से कर सकते हो कभी अगर ज़रूरत पड़े तो। तो आप ये देख सकते हो कि बड़ी शांति से पूरा एक एक चीज़ को खोलना पड़ता है, तब जाके ये टायर निकलता है। आपको देख के थोड़ी हैरानी हो गई होगी कि ये भैया रिम पर क्यों चढ़ गए, क्योंकि ये रिम को और टायर को दोनों को एक दूसरे से फ्री कर रहे, क्योंकि जो रिम है वो अपना मेटल का है और जो टायर है वो रबड़ बेस होता है। तो टायर और रिम एक दूसरे के साथ चिपक गए होते, वो रिम और टायर को दोनों को एक दूसरे से फ्री कर रहे है क्योंकि टायर बड़ी ईजीली डिसमेंटल हो सके इसके लिए। तो मैं आपको थोड़ा टायर के बारे में बताता हूँ, अगर आपको भी नया टायर परचेस करना हो तो थोड़ा बहुत आपको भी हेल्प रहेगा। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि टायर बनाने के लिए कौन कौन से मेन कंपोनेंट लगते हैं। तो पहला मटेरियल है नेचुरल रबर, दूसरा है सिंथेटिक रबर, तीसरा कार्बन और चौथा सल्फ़र। ये चारों मेन कंपोनेंट है टायर, और भी छोटी मोटी चीज़ें ऐड की जाती है, फिर वो सब चीज़ को मिला के उस पर प्रोसेसिंग करके हमारा टायर तैयार होता है। आप सबको पता ही होगा कि दो तरह के टायर मार्केट में अवेलेबल है, एक ट्यूबलेस टायर और दूसरा ट्यूब टायर। तो ज़्यादातर ऑफ रोडिंग वाले बाइक होते हैं उसमें ट्यूब वाले टायर ही यूज़ होते हैं, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी कि ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर वो दोनों टायर के अंदर भी सब कैटेगरी आती है, उसको वो बोलते हैं रेडियल टायर और बायस टायर। तो रेडियल टायर के बारे में हम पहले बात करते हैं कि रेडियल टायर के अंदर स्टील बेल्ट यूज़ होता है, उसकी वजह से वो टायर थोड़ा बायस टायर से हैवी होता है और वो शॉक एब्जॉर्ब भी थोड़ा कम करता है। तो हमारी जनरल जो गाड़ियाँ होती है उसमें बायस टायर ही यूज़ होते हैं, ये जो रेडियल टायर है वो स्पोर्ट्स बाइक वगैरह में यूज़ होता है। तो बात करते हैं बायस टायर की। बायस टायर के अंदर नाइलॉन प्लाई लगता है, उसकी वजह से वो शॉक एब्जॉर्ब काफ़ी अच्छी तरह से कर सकता है। तो जनरली सारे टायर बायस टायर ही आते हैं। तो अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि ये बायस टायर है या रेडियल टायर, वो कैसे पहचानते हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे टायर का मॉडल नंबर क्या है, 120/90-17MC64S। तो ये सारी बातें लिखी हुई है, उसका कुछ ना कुछ मतलब है। मतलब 120 का मतलब क्या है कि ये टायर का विड्थ दिखाता है, कि हमारा टायर जो रोड के साथ टच करके रहता है उसको वो विड्थ बोलते हैं, उतने विड्थ मतलब 120 विड्थ का हमारा टायर है। जो 90 दिखा रहा है वो एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं उसको, वो 120 का 90% होता है, मतलब वो टायर की हाइट दिखाता है। 120 का जो 90% होगा वो टायर की हाइट दिखाता है, और
और जो 17 दिखा रहा है वो 17 है कि मतलब आपका रेडियस, टायर की रेडियस 17 है। और रेडियल और बायस कैसे फाइंड करें, तो जो 90 और 17 के बीच में जो डैश दिया गया है वो डैश का मतलब है ये बायस टायर है। अगर ये रेडियल टायर होता तो उसके बीच में आर लिखा होता। और ये एम ऑब्लिक सी का मतलब है ये मोटरसाइकिल का टायर है। और 64S का मतलब है कि 64 ये उसका लोड रेटिंग दिखाता है और जो S है वो स्पीड इंडेक्स दिखाता है। टायर के बारे में मेरे पास जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। मुझे लगता है इतनी जानकारी से आपको टायर परचेस करने में काफ़ी सारी हेल्प होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा केयर, प्लीज़ स्टे होम, बी सेफ़।